लोग आज नाश्ते में क्या बना रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और डिनर में भी क्या बना रहे हैं, क्या प्रिपरेशन चल रही है आप लोगों के घर पे। ठंड तो वैसे थोड़ी कम हो गई है पहले से, बट स्टिल पकौड़ी और पकौड़े जो होते हैं ना, उसको मतलब शाम के समय चाय के साथ खाने का मज़ा ही कुछ और होता है। चलिए मैं बनाती हूँ पकौड़ी और आप लोगों को दिखाती हूँ कि अभी शाम की जो पकौड़ी मेरी बन रही है वो कैसे बन रही है, परफेक्ट बन रही है या नहीं बन रही है। तेल प्रॉपर तरीके से गर्म हो चुका है कढ़ाई में, तो चलिए मैं अपना बचका जो मुझे बनाना है वो मैं छान लेती हूँ। अच्छे से इसको डिप कर लेती हूँ। गोभी का बनाती हूँ पहले, क्योंकि ना गोभी का पकने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, पकता ही नहीं है जल्दी। बैंगन, इसको पूरे कम आंच में पका ले रही हूँ, तब तक मैं उधर मटर वगैरह छील लेती हूँ, मैं चाय के लिए प्रिपरेशन कर देती हूँ। सारा काम जल्दी जल्दी हो जाएगा, फास्ट फास्ट। वैसे बोल कौन रहा है, मुझे तो फास्ट काम करने की आदत ही नहीं है, बट स्टिल आई एम ट्राइंग टू डू माई बेस्ट। देख सकते कितने अच्छे से मैंने ये लगाया है इसमें बैटर। फूल गोभी, अब ज़्यादा फूल गोभी का पकौड़ा नहीं बनाऊंगी, दो ही, बाकी मैं फ्राइड राइस में डाल दूंगी जो बचे हैं दो। छोटा सा आलू एक और उसमें अट जाएगा। किसको किसको पकौड़ी खाना पसंद है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप लोग ना कमेंट करते नहीं हो, कुछ लोग ही कमेंट करते हैं, बाकी लोग तो देख के छोड़ देते हैं। कमेंट कर दोगे आप लोग तो मुझे भी अच्छा लगेगा कि चलो आप लोग सपोर्ट कर रहे हो, मुझे ये फील होगा। पर कोई बात नहीं है, आप लोग को जैसा ठीक लगे आप लोग कमेंट कीजिए, और मैं फिर भी मानती हूँ कि आपका सपोर्ट मेरे साथ है। तब तक ये पक रहा है ना कम आँच में, तब तक मैं थोड़ा मटर छील लेती हूँ।